चुका है, निंदा पुलिस की लगातार लोग कर रहे हैं और इसके साथ ही ये आरोप भी लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और कुछ वीडियोस भी ऐसे सामने देखने को मिली है कि जहां पर भ्रष्टाचार शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, पनपता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लगता है भ्रष्टाचार में क्या फर्क पड़ेगा इससे? मेरे सामने खैर अभी ऐसी कोई बात आई नहीं है और हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती और कोई भी अगर ऐसा करता है तो मैं कहूंगा कि ऐसा काम ना करे। आपकी जो ड्यूटी है, जो खाकी पहनी हम लोगों ने, सरकार हम लोगों को तनख्वाह देती है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। जब से हिंदुस्तान में नए ट्रैफिक रूल्स लागू हुए हैं तो हर जगह तराही तराही मानो मच गई है। हर कोई सरकार की और पुलिस प्रशासन की निंदा कर रहा है, हर कोई ये कहने में लगा हुआ है कि ये जो नियम है, ये जो कानून है, वो आम जनता को लूटने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन वाकई में ही क्या ऐसा है या फिर ये क्या आपको नहीं लगता कि ये सभी नियम जो है वो आप ही की भलाई के लिए, आप ही की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं? और जितना आप पुलिस प्रशासन को कोसते हैं शायद पुलिस प्रशासन उतना भी बुरा नहीं है। और शायद इसी की जो है एक गवाही, एक उदाहरण हमारी हरियाणा पुलिस फिलहाल दे रही है, जिसके चलते 3 दिनों तक एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके दौरान जो है पुलिसकर्मी सभी के सभी और जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो रोड पर खड़े होकर के जो नियम का पालना नहीं करता है, जो नियम का उल्लंघन करता है, उन्हें नियमों के बारे में समझा रही है, फूल देकर के, बिल्कुल प्यार से फूल देकर के उन्हें समझाया जा रहा है। और इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि ये जो नियम लागू हुए हैं वो केवल और केवल आपकी ही सुरक्षा के लिए किए गए हैं, आप ही के बेहतर भविष्य के लिए किए गए हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डीएसपी जोगिंदर शर्मा जी, तो जानते हैं इनसे कि जनता का उनके प्रति कैसा रवैया है जब वो उन्हें पब्लिक को समझाते हैं कि ये रूल्स जो हैं वो आप ही के लिए लागू किए गए हैं, तो क्या जनता उनका समर्थन करती है? सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले थैंक यू सर, आप लगातार जो है यहाँ पर खड़े रहते हैं और आम जनता को समझाते रहते हैं कि ये जो नियम है वो उन्हीं की भलाई के लिए बनाए गए हैं, तो इसमें आम जनता की क्या प्रतिक्रिया रहती है? एक्चुअली बड़े खुश हैं जितने भी मेरे को यहाँ मिलते हैं जिनको मैं समझाता हूँ, क्योंकि आप देखिए पिछले 1-2 साल से हमारा जो ट्रैफिक में या रोड एक्सीडेंट्स में कितनी सारी डेथ हो गई हैं, और डेथ होने का मतलब है किसी घर से एक कोई भी जिस घर से जिस बंदे की जान जाती है उस घर की मानो कि एक रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। और आजकल हमारे रोड इतने अच्छे हैं, गाड़ियाँ बड़ी फास्ट चलने वाली हैं, तो एक्सीडेंट की संख्या भी बढ़ गई है। ऐसे ही मैं उनको ये कहूँगा कि अपनी जान को बचाने के लिए, क्योंकि आपको आपकी फैमिली की ज़रूरत है और आपकी फैमिली को आपको बहुत ज़रूरत है। एक परिवार होता है, एक परिवार का एक आदमी अगर चला जाता है, ये समझ लो कि एक महत्वपूर्ण अंग जो है वो निकल जाता है परिवार के हिस्से से। तो मैं हम लोग सबसे पहले हम लोगों को यही है कि नए नियम भी लागू हुए हैं जिसमें काफ़ी हैवी जो अमाउंट का पनिशमेंट भी है, तो हमारा मेन मकसद ये है कि लोगों की जान जितनी कम से कम एक्सीडेंट और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाई जाए, हम लोगों का बस एक यही उद्देश्य है, जिसके कारण से मैं आज हिसार में जो जितने भी लोग हैं जो हेलमेट नहीं पहन रखे हैं, जिसने सीट बेल्ट नहीं डाली हुई है, उनको सिर्फ जागरूक कर रहे हैं। और हम ये भी कह रहे हैं उन लोगों को, सिर्फ आप ही नहीं, हम लोग आपके थ्रू और लोग भी जो हैं, आप जहाँ भी जाते हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, यहाँ जॉब करते हैं, आपके बच्चे हैं, उनको भी जाके समझाइए कि जो जान की कीमत बहुत बड़ी है, आदमी के ह्यूमन जो आदमी की जान होती है उसकी कीमत समझिए, उसके परिवार को कितनी जरूरत है उसके बारे में समझिए। बिल्कुल सर, क्या लगता है जो प्रशासन की तरफ से और जो सरकार की तरफ से इतनी कड़ाई की गई है, तो क्या आम जनता पर उसका असर देखने को मिलेगा, सुधरेगी आम जनता? ये देखिए, एक काम करने का तरीका होता है, यही हमारे ट्रैफिक रूल पहले भी थे जिसमें फाइन थोड़ा कम था, और अब नए रूल बने हैं उसमें फाइन थोड़ा ज्यादा किया है, तो एक सरकार का एक काम करने का तरीका चेंज हुआ है, रूल वही है। हमारा मेन मकसद वही है कि जितनी कम से कम एक्सीडेंट हो, लोग जितने ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करें, और जितने भी ये एक्सीडेंट में जाने जाती है उनको कम किया जा सके। सर, आजकल बड़े ही किस्से ये आम चल रहे हैं कि अक्सर जो वाहन की कीमत कम होती है और उस पर जो चलान लगाया जाता है वो उससे कहीं ना कहीं 2 गुना 3 गुना ज्यादा होता है, क्या वो सही है? वाहन की कीमत ना देखते हुए हम जो बात बार बार कर रहे हैं कि हम लोग जो चलाने वाला आदमी है या कोई महिला है उसके पीछे जो बैठा है उसकी कीमत तो कोई नहीं लगा सकते। सिर्फ ये है कि जो फाइन है वो हम
किस व्हीकल की क्या कीमत है उसको देखते हुए, ना कि हम जो इंसान है उसकी कीमत देखते हुए लगानी चाहिए हम लोगों को। जी बिल्कुल सर, देखिए जब से चलान बढ़ा है, जब से पुलिस के प्रति जो है लोगों का रवैया बदल चुका है, निंदा पुलिस की लगातार लोग कर रहे हैं, और इसके साथ ही ये आरोप भी लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं बढ़ेगा, और कुछ वीडियोज भी ऐसे सामने देखने को मिली है कि जहां पर भ्रष्टाचार शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, पनपता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लगता है भ्रष्टाचार में क्या फर्क पड़ेगा इससे? मेरे सामने खैर अभी ऐसी कोई बात आई नहीं है, और हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, और कोई भी अगर ऐसा करता है तो मैं कहूँगा कि ऐसा काम ना करे। आपकी जो ड्यूटी है, जो खाकी पहनी हम लोगों ने, सरकार हम लोगों को तनख्वाह देती है, तो हम अगर महीने में 10 दिन में 15 दिन में अगर अपना काम करके, ईमानदारी से काम करके दो घरों की जान बचा सकते हैं, दो आदमियों की जान बचा सकते हैं, तो ये सोचो दो फैमिली हम सेव कर सकते हैं। तो मैं सबसे यही अपील करूंगा अपनी पब्लिक से भी, और जो मेरे पुलिस महकमे के जितने भी मुलाजिम हैं, सिर्फ मैं हिसार के नहीं, हरियाणा के नहीं, पूरे देश के जो पुलिस वाले हैं उनको कहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो जितने एक्सीडेंट में जाने जाते हैं उनको हम कम कर सकें। बिल्कुल सर, 3 दिन का जागरूकता अभियान पूरे हरियाणा में चलाया जा रहा है हरियाणा पुलिस के द्वारा, तो क्या इसके बाद सख्ती करेगी पुलिस? अभी तक जो हमारे आदेश आए हैं कि पहले लोगों को जागरूक करना है, और फिर भी अगर वो जानबूझ के गलती की हुई को माफ़ी नहीं होनी चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कि 3 दिन के बाद सबको जागरूकता हो जानी चाहिए। अगर नहीं करते इसका मतलब वो जानबूझ के गलती करे, तो उसके लिए पनिशमेंट मिलना जरूरी है। तो 3 दिन के बाद पूरी सख्ता ही करेंगे, और जो भी नए नियम लागू हुए उस हिसाब से उनको पनिशमेंट भी करेंगे। सर एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अक्सर चौक चौराहों पर देखा जा रहा है कि पिछले अभी जब जागरूकता अभियान के चलते ही पुलिस ज्यादा तैनात है और ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही है, क्या बाद में भी इसी तरीके से सक्रिय नजर आएगी पुलिस? बिल्कुल, और मैं तो चाहता हूँ कि पुलिस कम नजर आए तो अच्छी बात है। लोग अपने आप ही सेल्फ डिसिप्लिन रखें, अपने आप ही समझे, अपने आप ही जागरूक हों, और लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं पुलिस को ही करनी। बिल्कुल, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, पहले भी खड़ी रहती थी पुलिस, हाँ अभी थोड़ा सा लोगों को जागरूक करना, तो जितना मैक्सिमम हम लोग हो सकते हैं हम लोग मैक्सिमम लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि बहुत सारी जगह एरियाज बहुत बड़े हैं, तो इसलिए हमारी पूरी पुलिस इसमें लगी हुई है। धन्यवाद सर। तो ये थे DSP जोगिंदर शर्मा जी, जिनका साफ साफ कहना है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा ये सख्ती की जा रही है वो केवल और केवल लोगों की जान बचाने के लिए, उनको किसी की तरह के नुकसान से बचाने के लिए की जा रही है, और 3 दिन तक आप जैसे कि देख रहे हैं फूल देकर के जागरूकता अभियान फिलहाल चलाया जा रहा है, लेकिन इनका साफ साफ ये भी कहना है कि 3 दिन के बाद पुलिस जो है वो इतनी नरमाई से काम नहीं लेगी, सख्त होगी और नियमों का पालन हर हालात में करवाएगी। आगे भी इसी तरह के मुद्दे सिटी बिग न्यूज आपके सामने लाता रहेगा, जिसे देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा सिटी बिग न्यूज। नमस्कार। शहर की हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज। इसके साथ ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना भी न भूलें।